हेलो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बेसन की बर्फी। तो देखिए हमारी कितनी बढ़िया बेसन की बर्फी एकदम से बन करके तैयार हुई है। तो दिवाली के मौके पे आप फटाफट अपनी ये बेसन की बर्फी बना करके रख सकते हैं। ये बेसन की बर्फी बनाएंगे, इसको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो चलिए फ्रेंड, बेसन की बर्फी बनाना हम शुरू करते हैं। तो देखिए मैंने एक कटोरी लिया है बेसन, बेसन से चीनी को मैंने थोड़ा कम लिया है, आधा कटोरी लिया है मैंने देसी घी, थोड़ी सी ली है मैंने इलायची पाउडर और ड्राई फ्रूट लिए हैं। तो ड्राई फ्रूट आपको जो पसंद हो वो आप अपनी बर्फी में डाल सकते हैं। तो आप इस बर्फी को बनाते समय ध्यान रखें कि आप देसी घी से ही इसको बनाएं। देसी घी से हमारी बर्फी बहुत टेस्टी बनेगी। आप चाहें तो कुछ और भी डाल सकते हैं, अगर आप देसी घी से बनाएंगे तो हमारी बर्फी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो चलिए फ्रेंड, इसको बनाना हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम भूनेंगे बेसन को। तो चलिए फ्रेंड, कढ़ाई गर्म करके हम बेसन को भून लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, कढ़ाई को मैंने गरम कर लिया है। तो अब हम इसमें डालेंगे देसी घी। अब हम इसमें अपना ये सारा देसी घी डाल देंगे। मैंने लगभग बेसन से आधा घी लिया है। अब इसमें डाल के हम अपना बेसन अच्छे से भूनेंगे। तो धीमे धीमे हिलाते हुए हम बेसन को भूनेंगे। और बेसन को भूनते समय आपको याद रखना है कि गैस को आप मीडियम ही रखें। धीमे धीमे हिलाते हुए अच्छे से बेसन को भून लेना है। अगर आपका बेसन कच्चा रह गया तो आपकी बर्फी में अच्छी नहीं बनेगी। जितना अच्छे से आप बेसन को भूनेंगे उतनी टेस्टी आपकी बर्फी बनेगी। तो धीमे धीमे आप अच्छे से इसको भूनिए। तो बेसन हमारा लगभग कलर चेंज हो गया, आप देख सकते हैं कलर चेंज हो। बेसन को अच्छे से भूनें तो बेसन को भूनते समय इसमें अच्छी सी स्मेल आने लगती है, तो पता चल जाता है कि बेसन हमारा भून गया। देखिए फ्रेंड, आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ गया है, एकदम से गोल्डन हो गया है बेसन और बहुत अच्छी स्मेल आ रही है इसमें। तो अब हम इसमें डालेंगे अपनी चीनी। चीनी आप तभी डालें जब आपका बेसन अच्छे से भून जाए। अब हम इसमें डाल देंगे अपनी चीनी। चीनी डाल के अच्छे से मिलाएंगे। धीमे धीमे आप इसको मिलाते रहिए। अभी आपको एकदम से ये सूखी लगेगी, सूखा सा हो गया है, लेकिन जैसे हमारी चीनी घुलेगी इसमें बेसन में मिक्स हो जाएगी तो अपने आप से ये गीली हो जाएगी। आप इसमें पानी बिल्कुल भी ना डालें, ऐसे ही इसको लगातार हिलाते रहें। गैस को बिल्कुल धीमा रखें, आप लगातार आप इसको चलाते रहें। तो देखिए फ्रेंड, चलाते चलाते हमारी अच्छे से ये गीली हो गई है। तो अगर आपको ये सूखी लगती है तो आप थोड़ा सा इसमें घी डाल सकते हैं, मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरी तो अच्छे से मिक्स हो गई है और मुझे घी की ज़रूरत नहीं। तो देखिए फ्रेंड, अच्छे से ये मिक्स हो गई है। तो आप देख सकते हैं कि अच्छे से कढ़ाई छोड़ने लगी है हमारी बर्फी, अच्छे से तैयार हो गई है। तो अब हम इस टाइम पर आके डाल देंगे इलायची पाउडर। इलायची पाउडर आपको लास्ट में डालना है। डाल के अच्छे से मिला लेंगे। तो देखिए, आप देख सकते हैं कढ़ाई छोड़ने लगे हैं। तो अब हम इसको बर्तन में डाल के जमाएंगे बर्फी को। चलिए फ्रेंड, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, नहीं तो बर्फी हमारी टाइट हो जाएगी। तो अब हम इसको बर्तन में जमाएंगे। चलिए फ्रेंड, गैस को बंद कर देते हैं और बर्फी को जमाते हैं। तो देखिए फ्रेंड, ऐसे आप कोई बर्तन ले लें, उसमें अच्छे से घी से इसको चिकना कर लें। तो देखिए मैंने अच्छे से बर्तन को चिकना कर लिया है। तो अब इसी में डालेंगे अपनी बर्फी, इसको डाल देंगे इसमें। अच्छे से डाल के इसको जमा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, मैंने अच्छे से इसको बर्तन में डाल दिया है। तो आप देख सकते हैं कि अभी बर्फी हमारी एकदम से गीली है। तो इसको हम अच्छे से ठंडा होने देंगे। तो चलिए फ्रेंड, इसको अच्छे से ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम काटेंगे इसकी पीस। तो देखिए फ्रेंड, करीब 25 से 30 मिनट हो गए हैं, तो बर्फी हमारी एकदम ठंडी हो गई है। तो आप देख सकते हैं, इसको टाइम लगता है थोड़ा सा ठंडा होने में। तो अब हम इसके काटेंगे पीस।
आप ऐसे निशान लगा लें, पीस काट लें इसके। देखिए फ्रेंड, आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया बर्फी हमारी एकदम से जम गई है। अब आप चाहें ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, तो आज जो आपको पसंद हो वो आप इनके ऊपर डाल दें। अब हम इसका निकालेंगे पीस। तो ये देखिए फ्रेंड, बढ़िया सी बर्फी हमारी बन गई है। तो हम सारे पीस निकाल करके तैयार करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, हमारी बेसन की बर्फी बिल्कुल बन करके तैयार है। तो देख सकते हैं आप कितनी बढ़िया हमारी बर्फी बनी हुई है। तो देखिए फ्रेंड, मैं आपको दिखाती हूँ कितनी बढ़िया हमारी बर्फी एकदम से बन करके तैयार है। तो आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया हमारी बर्फी एकदम से बनी है, एकदम चिकनी। तो आप भी फ्रेंड ऐसे ही बनाइएगा, इसको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो देखिए फ्रेंड, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितनी बढ़िया बनी है हमारी। देखिए कितनी बढ़िया बनी है। अगर आप लोगों को रेसिपी पसंद आए तो कमेंट करके बताना फ्रेंड, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए फ्रेंड, न्यू रेसिपी के साथ आप लोगों से फिर मिलेंगे। थैंक यू फ्रेंड।